हेलो फ्रेंड्स, आज की सीडी में हम लोग करेंगे डीएवी क्लास 5 के भाषा माधुरी के पार्ट 18 बेटीना का साहस के सारे प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य करेंगे। तो वीडियो को एंड से जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। प्रश्न एक, किन शब्दों ने बेटीना की सोचने की दिशा बदल दी? उत्तर, एक सेविका ने बेटीना से कहा कि तुम्हारा नया जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। इन शब्दों ने बेटीना की सोचने की दिशा बदल दी। प्रश्न दो, बिस्तर पर पड़े पड़े बेटीना की आंखों से आंसू क्यों बहने लगे थे? उत्तर, बिस्तर पर पड़े पड़े बेटीना यह सोचती कि शायद अब वह कभी नृत्य नहीं कर पाएगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। प्रश्न तीन, बेटीना सफलता के शिखर पर फिर से किस प्रकार पहुंची? उत्तर, बेटीना अपने अथक प्रयास और दृढ़ संकल्प शक्ति से फिर से सफलता के शिखर पर पहुंची। प्रश्न चार, नृत्य के बिना बेटीना का जीवन अधूरा था कैसे? तो इसका उत्तर, नृत्य बेटीना के शौक और आय दोनों का साधन था, इसलिए नृत्य के बिना उसका जीवन अधूरा था। प्रश्न पांच, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बेटीना लगभग कितने मीटर ऊपर उछली? तो 3 मीटर। फिर टेरेंस लेविस कौन थे? तो चिकित्सक। फिर बेटीना के माता पिता उसे मालिश के लिए कहाँ लेकर जाते थे? तरणताल। फिर 6 नंबर है, रिक्त स्थान भरकर वाक्य पूरे कीजिए। बेटीना नृत्य में प्रमुख भूमिकाएं निभाती है। शिक्षक बैरी उसकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प शक्ति से परिचित थे। अधिक दवाओं के कारण उसके गुर्दों में खराबी आ गई। अब हम करेंगे भाषा की बात। पाठ में कई स्थानों पर विशेषण विशेष्य शब्द आए हैं, जैसे दूसरे नगर 19 वर्ष। विशेषण विशेष्य के 5 जोड़े छाटिए और लिखिए। तो विशेषण में होगा भयानक, तेज, नृत्य, पूरा, शारीरिक। फिर विशेष्य में होगा दुर्घटना, गति, नाटिकाएं, शरीर, अभ्यास। तो इसको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, भयानक दुर्घटना, तेज गति, नृत्य नाटिकाएं, पूरा शरीर, शारीरिक अभ्यास। अब प्रश्न दो है, र का प्रयोग कीजिए और शब्द को दोबारा लिखिए। इसमें र का प्रयोग करके शब्द को दोबारा लिखना है। इसमें होगा दुर्घटना, यहाँ पर र लगेगा। फिर इसमें होगा सुप्रसिद्ध, फिर इसमें होगा सामग्री, इसमें होगा पर्व, फिर इसमें होगा प्रयास, फिर इसमें होगा दर्द, फिर इसमें होगा वर्ष, इसमें होगा गुर्दों, फिर इसमें केंद्र और इसमें प्रकार। अब हम करेंगे जीवन मूल्य। यदि हम ठान लें कि किसी भी विकट परिस्थिति में हार नहीं मानेंगे तो मुश्किलों को झेलते हुए सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। प्रश्न एक है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? कैसे? तो इसका उत्तर होगा, हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि दृढ़ संकल्प, निरंतर अभ्यास तथा आश्वासन रहकर ही हम किसी भी विकट परिस्थिति का सामना करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चित्र खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।